बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पे तेज गर्मी के बीच रविंद्र सिंह भाटी की ताल जो है वो मुश्किल खड़े किए हुए हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच। रविंद्र सिंह भाटी दो नामांकन दाखिल कर चुके हैं यानी मुहूर्त के तौर पे, और 4 अप्रैल को विशाल जनसभा करने वाले हैं। 4 अप्रैल को और भी जगह नामांकन है और देखना यह है कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी दोनों ही यानी कि उम्मेदाराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी अब कार्यकर्ता सम्मेलनों में जुटे हुए हैं, और अब 3 अप्रैल को जो है वो उम्मेदाराम बेनीवाल का नामांकन होगा। भीड़ जो है वो नामांकन सभा में जुटाने की जो मशक्कत है वो बड़ी रहेगी। आपने देखा होगा कि एक कार्यक्रम में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अलग ही अंदाज में बोले कि यह कैलाश नहीं काशी है, काशी दिखता है मंदिर, राम मंदिर, तमाम चीजें। उसके अलावा उनका नामांकन, और अब बेनीवाल के नामांकन सभा में कितनी भीड़ आती है और रविंद्र सिंह भाटी की सभा में कितनी आती, बड़ी चीज है। जो रविंद्र सिंह भाटी है वो 4 अप्रैल को भीड़ दिखाने के लिए यानी माहौल प्रदर्शित करने के लिए एक बार फिर से नामांकन भरेंगे। 4 नामांकन का कोई वजह है या तमाम चीजें, उन्होंने ये जरूर कहा चिकित्सा शिक्षा नरी क्षेत्र में बिजली समय तमाम जो चीजें हैं। तो भाजपा अभी तक रविंद्र सिंह भाटी को साध नहीं पाई। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो कुल मिला के सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, और लेकिन भाजपा ने रविंद्र सिंह भाटी को एक डेंट देने की कोशिश की है, और उस डेंट का नाम है अशोक गोदारा। गोदारा जो रविंद्र सिंह भाटी के भाई की तरह साथ रहे हैं वो अब भाजपा में चले गए हैं। इसको लेके चर्चाएं शुरू हुई है कि अशोक गोदारा का भाजपा में जाने का क्या आशय है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर विजया ताई जिसको भाजपा ही कहते हैं, वो उनकी मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी की टीम टूट रही है या भाजपा कोई प्लान बी ला रही है, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सीपी जोशी ने यह कहा कि युवाओं में नेतृत्व गुणों को विकसित करने और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से युवाओं को संगठन से जोड़ा जा रहा है, और गोदारा को इसीलिए लिया गया है। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की। अब रविंद्र सिंह भाटी के दोस्त अशोक गोदारा, उन्होंने ये जरूर कहा मीडिया से बातचीत में कि मैं और रवि अभी भी दोस्त हैं। इंसान क्या, साथ आने से सारे रिश्ते जुड़े हुए आते हैं, लेकिन दोस्त वह व्यक्ति खुद चुनता है, और मेरे दोस्त पर गर्व है, आज भी भाई हैं। यह पहले उन्होंने डायलॉग दिया था, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब इससे साफ है कि इस चुनाव में गोदारा जो है वो रविंद्र सिंह भाटी का साथ नहीं देंगे, यानी लोकसभा चुनाव में। पहले भी दोनों के बीच अनबन जैसी खबरें चल रही थी, ये माना जा रहा था कि दोनों के बीच अब मैत्री संबंध ठीक नहीं है। हालांकि जो इन्वेस्ट करता है चुनाव में अपना समय, धन या अपनी पूरा वोट बैंक कह सकते हैं उसको, या अपना पूरा ऑरा, चुनाव में इन्वेस्टर्स जो भी हैं उनका चुनाव खत्म होते ही वो लिस्ट लेके जाते हैं कि ये काम इस तरीके से करना है। क्योंकि चंद्रशेखर जी कहा करते थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि जो 10 रुपए लगाएगा वो 20 रुपए कमाने की सोचेगा। अब वो पैसे चाहे लिक्विड मनी हो या चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था से, तो अब गोदारा क्यों अलग हुए हैं बड़ा सवाल है। क्या डिमांड रही, क्या उनकी दोस्ती में दरार आई, या महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कि जब आप दोस्त के तौर पे साथ खड़े थे तो एक बड़ा आपको, लेकिन उनका राजनीतिक जो माहौल है गोदारा, क्या वाकई में पॉलिटिकल अब एक्टिव हो रहे हैं, और वो बीजेपी में चले गए, उनके साथी वहीं खड़े हैं, और वहीं नहीं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से, तो क्या असर पड़ेगा गोदारा के जाने का, बड़ा सवाल है। कि 2023 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी बोले के लिए कहा जाता है, एक शिक्षक के बेटे थे, महंगी डिफेंडर और फॉर्चुनर जैसी गाड़ियां रखते हैं, और भाटी के अनुसार वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनका अगर अपन एफिडेविट देखें, जिस तरीके से चुनाव में खर्चे का एफिडेविट देखें, तो उनके उनकी पत्नी की संपत्ति उनसे ज़्यादा है दाऊ कंवर की, और इन गाड़ियों का अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सहयोगियों और दोस्तों की वो गाड़ियां हैं जो उन्हें देते हैं और घूमते हैं।
कई लोग ये कहते हैं कि भाई बड़े जो फाइनेंसर या इन्वेस्टर है अशोक गोदारा हैं, दोनों की दोस्ती की चर्चा चलती है सोशल मीडिया पे तमाम जगह। तो बड़ा चीज है कि जो गोदारा, जो कि रविंद्र सिंह भाटी के लिए वही एक एनर्जी का काम करते थे बैकअप के लिए, वो अब भाजपा में आ चुके हैं। लोग कई तरह के सोशल मीडिया में कई तरह के डायलॉग चलते हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी और तमाम चीजें, उनके जाने से कितना क्या फर्क पड़ेगा यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है वो बड़े क्षेत्र में है, बड़े क्षेत्र में अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो सिर्फ वादों पे क्या जैसलमेर बाड़मेर की जनता जो है वो जाएगी, या कुछ और चीजें जो है उस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी हमें बतौर कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी के साथी गोदारा उधर गए हैं, क्या किसी वो दबाव में गए हैं या किसी प्रलोभन में कह सकते हैं, या कई बार व्यक्ति की खुद की इच्छाएं होती है कि ठीक है, वो रणछोड़दास चांचड़ कहते हैं कि दोस्त जो है वो फेल हो जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त अगर टॉप नंबर पा जाता है तो दुख होता है। तो क्या इसी दुख में अशोक गोदारा उधर गए हैं, तमाम चीजें हैं। बाड़मेर जैसलमेर की सीट अब हॉट सीट बनी हुई है, सीट पे मुद्दों की बात प्रत्याशी सारे ही कर रहे हैं, उम्मेदवार बनीवाल कैलाश चौधरी अपनी अपनी दौड़ लगा रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी अपनी लगा रहे हैं, रात के वीडियो डाले जाते हैं, इतनी रात को लोग वेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं रील्स वीडियो मीम्स। उस इलाके में जहां इंटरनेट कनेक्शन बहुत बड़ी बाधा थी कि पाकिस्तान से नजदीकी होने के चलते इंटरनेट इतना प्रभावी नहीं हो पाता था, लेकिन अब वहां ये खेल चल रहा है, और ये खेल जो है वो किसके जीतने पे खत्म होगा, और इस खेल के खत्म होने के बाद क्या पानी के लिए जूझते बाड़मेर जैसलमेर को वही दो हैंडपंपों से काम चलाना पड़ेगा जिनमें से उखाड़ रखे हैं रविंद्र सिंह भाटी ने, एक गदर वाला उखाड़ लिया है, तो क्या होगा उस इलाके में। और इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है कि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है उस महत्वाकांक्षा, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी की हो, चाहे कैलाश चौधरी की एक बार फिर से संसद जाने की हो, और अपना जो पिछला जो विधानसभा चुनाव उन्होंने जीत के जो ब्रॉन्ज लोकसभा चुनाव जीत के जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था उसको उन्होंने दिल्ली जाके मंत्री पद पाके सिल्वर में बदल लिया, और यानी कि राज्य मंत्री बन गए, इस बार क्या वो गोल्ड में यानी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, बड़ी चीज है। उम्मीदवार राम बेनीवाल जो बायतू से हारते 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 जा रहे हैं, यानी कि 2018 में हार गए थे उम्मीदवार राम बेनीवाल, कैलाश चौधरी भी हार गए थे 18 में, 23 में फिर हार गए, कैलाश चौधरी तो लड़े नहीं। तो उम्मीदवार राम बेनीवाल के पास अब एक मौका आया, उम्मीदवार राम पुलिस में कांस्टेबल रहे हैं, कैलाश चौधरी की पुलिस से दूसरे तरीके के संबंध रहे हैं, तमाम चीजें हैं कि यह जो लोकसभा सीट है यह अब हॉट सीट बनी हुई है। रविंद्र सिंह भाटी 4 फार्म भरेंगे, क्या रहेगा, आपको क्या लगता है अशोक गोदारा के जाने से रविंद्र सिंह भाटी के कितना फर्क पड़ेगा, क्या उनको फाइनेंशियल दिक्कतें आए इसलिए भाजपा ने कदम उठाया, क्योंकि कांग्रेस पे तो आईटी वाले रेड वाला मामला चल रहा है। तो रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव जो है जिसमें फाइनेंस एक बड़ा फाइनेंस खर्च नजर आता है, जिस तरह के स्वागत होते हैं वो होते हैं, पूरा एक मजमा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या क्या रहेगा, क्या लोग उन्हें किस तरीके से देखेंगे चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। और पार्टियां जहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्जिनल वोट तीसरा व्यक्ति ले जाएगा, वो तीसरे व्यक्ति कैलाश चौधरी हो सकते हैं, वो उम्मीदवार राम बेनीवाल हो सकते हैं, या रविंद्र सिंह भाटी भी हो सकते हैं दूसरे तीसरे। तो जीतेगा कौन ये तो जनता तय करेगी बाड़मेर जैसलमेर की, लेकिन क्या होगा, किस तरीके से इलेक्शन जो है वो आगे रोल करेगा, यानी कि दूसरे चरण के नामांकन भरे जा रहे हैं, 3 को उम्मीदवार भर रहे हैं, 4 को रविंद्र सिंह भाटी भर रहे हैं। तो इन सब के बीच में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।